फाइनली मेरा रुद्राक्ष आ चुका है। 2022 में मैंने इसको बुक किया था इनकी वेबसाइट से, और मैं बता दूं आप लोग भी इसको फ्री में ले सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में कैसा है, बट अभी के लिए इसको अनबॉक्स करने वाले हैं। इसको कैसे करना है धारण, क्या चीज है, वो सब देखेंगे, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, वो सब हम आगे वाली वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई भाई कि मैंने रिकॉर्डिंग तो कर ली, बट रिकॉर्डिंग के बाद मुझे पता लगा कि भैया रिकॉर्डर मैंने कैमरा चालू ही नहीं किया है। तो ये इसकी कुछ पैकेजिंग है, इसी के अंदर सारा सामान आता है। इंडिया पोस्ट ऑफिस से आया था, कोयम्बतूर से 1 तारीख को निकला था, मुझे इसको मिलने में 8 से 9 दिन लग गए, तो इतना टाइम लगता है। इसमें क्या क्या आता है मैंने ऑलरेडी खोल दिया, मैं दिखा देता हूँ क्या क्या आया है इसके अंदर। सबसे पहले इसके अंदर 2 काले धागे आए हैं, ये देख सकते हो, और मैं बता दूँ ये बहुत ही प्राण प्रतिष्ठित हैं धागे, मतलब ऑलरेडी इनको जिस तरह से विधि से इनको पवित्र किया जाता है, जो अच्छा किया जाता है वो है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण धागे हैं। इसको आप कलाई पे बांध सकते हो अपने, औरतें जो हैं वो अपने आई थिंक बाएं हाथ में बांध सकती हैं, और आदमी जो है वो राइट हैंड में बांध सकते हैं। 40 दिन से कम से कम बांधना होता है। साथ ही साथ इन्हीं धागों को आप लोग इसी के अंदर आप रुद्राक्ष को भी धारण कर सकते हो। कुछ इस तरह का है, मैं चाहता नहीं था इसको अच्छे से खोलूं, बट ठीक है, मैं जब खुद यूज़ करूंगा तब बताऊंगा कैसे है। अगली चीज़ विभूति। अब विभूति का यूज़ ये है कि आप इसको अपने माथे पर लगा सकते हो, ये भी प्राण प्रतिष्ठित की गई है, और इससे आपकी मेंटलिटी पॉजिटिव होती है, अच्छी फीलिंग आती है, थॉट्स प्रॉपर आते हैं, ग्रहणशीलता इसमें वर्ड यूज़ किया गया है वो आपका बढ़ता है, आप किसी भी चीज़ में ध्यान लगा सकते हैं अच्छे तरीके से। बट मैं इसका जो मेन यूज़ करने वाला हूँ वो रुद्राक्ष को अच्छे तरीके से बचाने में यूज़ करूँगा, क्योंकि कुछ महीनों के बाद आप इसकी मदद से रुद्राक्ष की जो कंडीशन है उसको बनाए रख सकते हैं, नहीं तो भाई वो भी रुद्राक्ष है, वो चीज़ भी कुछ टाइम बाद बिगड़ जाती है। एक्चुअली मुझे ये चीज़ पहले दिखानी चाहिए थी। इसके साथ आई है एक फ़ोटो आया है आदि योगी का, और एक बुकलेट आई है, इस बुकलेट में सब बताया है, मतलब सब नहीं, नॉर्मल चीज़ें बताई हैं कि रुद्राक्ष से क्या फ़ायदा है आपको, और कृपा मिलती है शिव की, साथ ही साथ अभय सूत्र का यूज़ और ईशा विभूति का यूज़ है। साथ ही साथ जो लिंक दी है ना वो आप डेफिनेटली चेक करना, अगर आपको मिल गया है ये तो बहुत काम की लिंक है। और एक फ़ोटो आया है, से लास्ट में आ रहा है मेरे रुद्राक्ष। भाई मैं बता दूं आपको, अगर आपने एक बार रुद्राक्ष पहन लिया तो पूरी ज़िंदगी के लिए वो रुद्राक्ष आपका है। या तो आप उसको जला दो, या तो आप उसको ज़मीन में गाड़ दो, या तो उसको मतलब हाँ ये 2 ही तरीके रहते हैं, उसके अलावा आप अगर आप एक बार रुद्राक्ष को पहन लेते हो तो वो रुद्राक्ष सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाता है। मेरी नज़र में तो भाई बहुत ख़ास है। तो कुछ इस तरह के 2 रुद्राक्ष आए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ किस पैकेजिंग में आया था। इसमें आया था, ये इसके अंदर आया था, यहाँ से मैंने फाड़ के निकाला है। तो अभी आप जो मेरे हाथों में देख रहे हैं रुद्राक्ष, एक वेबसाइट आपके स्क्रीन पे आ रही होगी, उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। एक बात बता दूँ, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भूल जाना आप लोग, ये उम्मीद मत रखना कि भाई 1 महीने बाद आप उम्मीद लगाओ मिल जाएगा, मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं तो 1 साल 2 साल भी लग जाते हैं, कितने लोगों को नहीं भी मिलता, क्योंकि पूरे इंडिया से लाखों के मैं क्या करोड़ भी कह सकता हूँ मैं, करोड़ों लोग रजिस्टर करते हैं। साथ ही साथ कितने लोग तो ऐसे हैं मैंने ऑनलाइन पे देखा जिन्होंने एक ही जितने नंबर है सारे नंबर से ऑर्डर दे दिया, 6-7 पैकेट उन लोगों को आए हैं, और कितने लोग हैं जिन्होंने 3 साल पहले किया था अभी तक उनका नहीं आया। तो एक चीज़ ध्यान रखना, फ्री का है मिल रहा है, वहाँ से आप करोगे तो मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता। मेरे को भी 1 साल से ऊपर लग गया, मेरे भी दिमाग से निकल गया था, फिर अचानक से पोस्ट आने लगी लोगों की, तो मैंने देखा अरे भाई ये क्या है, और मुझे मैसेज आया कि आपका जो एक पार्सल है वो बुक किया है इंडिया पोस्ट ने कोयम्बतूर से, और पिन था एड्रेस था, तो मैंने जब वो डाला ट्रैकिंग में तो मालूम पड़ा तो कोयम्बतूर का है, तो मुझे आइडिया मिल गया कि ये वहीं से आ रहा है। अब भाई एक चीज़ और, रुद्राक्ष है क्या भाई, बहुत ही खास है। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे पता लगा ये शिव जी की आंखों के आंसू हैं। कहा जाता है कि जब शिव जी एक बार ध्यान में मग्न हो गए तो वो इतना खो गए कि उनकी पता नहीं लग रहा था ये जिंदा है कि क्या है, तब एकमात्र चीज़ थी उनकी आंखों के आंसू जो वो योग करते वक्त गिर रहे थे, और वो रुद्राक्ष बन के धरती पर निकले। तो भाई ये बहुत ही खास है, और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ आप इसको पहनना। फ़ायदा क्या है भाई, शारीरिक और मानसिक कहा गया है कि ये आपकी जो संतुलन है वो बनाने में मदद करता है, आपकी जो अंदर की आत्मा है उसकी शुद्धि करता है, नकारात्मक ऊर्जा जो आपके आजू बाजू है उसको कंट्रोल करता है, और भी बहुत सारे फायदे हैं। मैं पहनूंगा और कुछ महीने बाद आपको बताऊंगा कि क्या है ये। साथ ही साथ कुछ लोग कहते हैं कि भाई इनको नहीं पहनना चाहिए आदमी और औरतों में, भाई सब पहन सकते हैं, आदमी औरत बच्चा सब पहन सकता है, बिंदास होके पहनो। एक सवाल आता है कब पहनना है, भाई जब चाहो तब पहनो, आप अपनी ज़िंदगी की किसी भी अवस्था में हो, आदमी औरत सबको कह रहा हूँ, जो भी उनके लाइफ में फेज आते हैं आप हर समय पहने रख सकते हो, बट हाँ तब निकाल देना जब आपको लग रहा हो कि रुद्राक्ष को नुकसान हो सकता है।
सब जनरली डेली यूज में आप तब मत यूज करना जब आप नहाने जा रहे हो और शैम्पू और साबुन लगाने वाले हो, तो ये भाई रुद्राक्ष को नुकसान करेगा। सिर्फ ये एक सिनारियो है जो मैंने नेट पे सर्च किया है, जो मैंने जाना है कि उस समय आप इसको निकाल दो, क्योंकि रुद्राक्ष जो है वो भी एक चीज़ है, तो वो भी बिगड़ जाएगी अगर आप केमिकल डालोगे, तो केमिकल के लिए नहीं बनाइए। बाकी आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी फेज़ में हो, कोई भी हो, आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर हाँ, आप मेडिकल में हो, आप डॉक्टर बोल रहे हैं निकाल दो तो निकाल देना, पर हाँ नॉर्मल डेज में आप पहन सकते हो किसी भी अवस्था में। कैसे पहनना है भाई, तो धागा तो इन्होंने दिया है, वही सिल्क और कॉटन का धागा, अगर वो नहीं यूज़ करना कोई बात नहीं, सिल्क और कॉटन का कोई भी धागा ले आओ, उसको इसमें डाल के आप पहन सकते हो। और एक बात और ध्यान रखना कि इसको बहुत टाइट नहीं बांधना है, मतलब जब आप इसके अंदर डोरी डालते हैं तो ऐसे कस के गांठ नहीं बांधनी है इसमें, थोड़ा सा हल्का रखना है। और हाँ, गले में ही पहनना है, हाथों में नहीं पहनना है। वो मूवी में जो दिखाते हैं मेरे ख्याल से वो फेक होता होगा, वो खाली दिखने में होता होगा, बाकी जो मैंने सर्च किया है, जो मैंने रिसर्च की है, रिसर्च नहीं सर्च जो की है, उसमें यही कहा है कि भाई आप इसको गले में पहनो, ये कलाई के पहनने की चीज़ नहीं है। अब मैं इसको कैसे पहनने वाला हूँ भाई, मैं इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कि मैं इसको पहनने से पहले क्या करते हैं और किस विधि से इसको पहना जाता है। प्लीज़ यार, बाकी लोग यार जो वीडियो देख रहे हैं लाइक कर देना, ताकि मैं थोड़ा और इंस्पायर हूँ, जल्दी से जल्दी वीडियो एडिट करके डाल सकूँ, क्योंकि अभी IPL की वीडियोज़ आ रहे हैं, रोज़ 3 वीडियोज़ हैं, शॉर्ट्स वीडियोज़ हैं, लाइव स्ट्रीम है, तो बहुत मुश्किल हो जा रहा है कि एक एक्स्ट्रा वीडियो अपलोड कर सकूँ। इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं इसको पहन तो लूँगा ही, लाइव स्ट्रीम में आपको दिखाऊँगा अभी, बट इसको कैसे पहनना है उसकी वीडियो एडिट करके जल्दी अपलोड कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, लिंक है चेक कर लो, अभी रजिस्ट्रेशन बंद है, तो महाशिवरात्रि के टाइम पे चालू होते हैं, जैसे आने वाली होती है 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले चालू हो सकते हैं। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा अचानक से, इंस्टाग्राम या कहीं मुझे अपडेट मिलता है तो। अभी के लिए इतना ही, ध्यान रखिए, खुश रहिए, और अगर आपको मिल गया है तो भाई एक बार ओम नमः शिवाय लिख देना कमेंट सेक्शन में। बाय बाय, टाटा, गुड डे।